हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज की जो विज्ञप्ति है यह संबंधित है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जी हां, कल 14 अगस्त 2019 को आयोग ने एक विज्ञप्ति निकाली है जिसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 25/11/2018 को आयोजित संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर विधि विज्ञान प्रयोगशाला व्यक्तिक सहायक एवं आशुलिपि ग्रेड 2 निजी सचिव सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर पर्यवेक्षक भिक्षु ग्रह समाज कल्याण अधिकारी सहायक अध्यापक प्राथमिक भिक्षु ग्रह सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी संवेक्षक अनुवादक सहायक अधीक्षक पद कोड 120 से लेके 130 तक कुल 59 पद विज्ञापित किए थे कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजिया परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स तथा अभिलेखों के सत्यापन टंकन आंसू लेखन परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको लिखा होगा आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जो टंकन एंड आंसू लेखन होना है पद कोड 80, 120, 121, 122 के लिए, ये होना है दोस्तों आपका 13 सितंबर 2019। जबकि इन्हीं सभी के लिए जो आपका और भी पद कोड है, इनमें अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जिनमें पद कोड है 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 एंड 15, इनके लिए जो अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह 5 सितंबर 2019 को होगा। इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी प्रकार के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट www.sse.uk.gov.in पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यह तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त तालिका के स्तंभ 3 और 4 के अनुसार टंकन आंसू लेखन परीक्षा डीडी कॉलेज निम्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? डीडी कॉलेज निम्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में। परीक्षा की तिथि व समय की जानकारी के साथ समस्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 2 सितंबर 2019 को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाएंगे। यानी पेपर आपका जो आपका टंकण आंसू लेखन है 13 सितंबर 2019, अभिलेख सत्यापन 5 सितंबर 2019, और जो भी आपके ये हैं वो आयोग की वेबसाइट पर 2 सितंबर 2019 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों आप ये देखिए, रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पे जो पद कोड 80 है उसमें आपके ये जनरल मेरिट लिस्ट और एससी की मेरिट लिस्ट है, जहाँ पे जो आपके जनरल की मेरिट लिस्ट के लिए मिनिमम 57.50 मार्क्स गए हैं, जबकि एससी की मेरिट लिस्ट के लिए आपके 50.50 मार्क्स गए हुए हैं। यहाँ पे आपका सारी चीजें लिखी हुई है। इसके बाद हम देख रहे होंगे अपर निजी सचिव जनरल मेरिट लिस्ट, ओबीसी मेरिट लिस्ट, एससी मेरिट लिस्ट, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं तो आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अलग अलग रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी दिया हुआ है, कुछ मेल फीमेल ये सारी चीजें आपको दिए हुए हैं और उसके सामने आपके एग्जाम मार्क्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की यह अपडेट वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट वीडियोस लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।